फ्रेंड्स, वेलकम टू फनी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपके साथ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसीलिए आपने पुरानी कुछ इंट्रोडक्शन भी पार्ट में आपने देखा कि मैंने किस तरह से बताने की कोशिश की कि एक कोशिका का अस्तित्व कैसे आता है और वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस करके आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है ताकि वो अपना एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टेंस को बनाए रखे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं। और आज इस वीडियो में आप समझने वाले हो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल, यानी कि हमारे जीवन की जो मूल इकाई है जिसको कोशिका कहते हैं, ये क्या अस्तित्व निर्धारण करती है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और हम जो बने हैं, जो ये मशीन है, वो किस तरह से कार्य करती है, तो वो कोशिका के ही तहत हम समझ पाएंगे। तो उसी को समझने के लिए आज का चैप्टर का नेम होगा हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आप सबको एक चीज बता दूं, एक चीज होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप सबने देखा था कि लास्ट टाइम पे हमने अमोनिया की बात की थी एटमॉस्फेयर में, और इसके अलावा हमने कार्बन डाइऑक्साइड्स की बात की थी, इसके अलावा मैंने SO2, ये सारी जो गैसेस थी। साथ ही साथ क्या हुआ कि बारिश भी हुई होगी, तो बारिश होने की वजह से जो क्रस्ट में एलिमेंट्स थे वो भी कहाँ आ गए, पानी में आ गए। तो इस तरह से जो हमारी जो धरती थी वहाँ पे कार्बन अवेलेबल था, हाइड्रोजन अवेलेबल था, ऑक्सीजन अवेलेबल था, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं था बट वो किसी ना किसी के साथ ऑक्सीजन अवेलेबल था। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे। अब क्या होता है कि इन एलिमेंट्स में इवोल्यूशन होता है। कैसा इवोल्यूशन होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत धीरे धीरे होती है और डेवलपमेंट की ओर लेके जाती है, यानी कि विकास हो रहा है पर धीरे धीरे हो रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब जान लीजिए। आज तक अगर आपको नहीं पता है कि अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व किसे कहते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनको पाने का सोर्स नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मतलब जो जीवित नहीं है, जैसा कि आपने पहली क्लास में मेरा देखा हुआ है कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको पाने का सोर्स यानी कि जो स्रोत होता है वो बच्चे होता है नॉन लिविंग यानी कि अजीवित। जो अजीवित यानी कि जो नॉन लिविंग चीज़ों से हमें प्राप्त होती है उनको हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इन दोनों में, इन सारे एलिमेंट्स जो थे, इन सब में धीरे धीरे केमिकल इवोल्यूशन हुआ। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे केमिकल्स में विकास हुआ। जब ये विकास होता है तो विकास के साथ इसमें एक ऐसे तत्व मिलते बनते हैं जो जीवों की रचना कर देते हैं, और ये जीव अपने अस्तित्व को बनाने के लिए कुछ अपने यौगिक बनाते हैं, अपने तत्व बनाते हैं, और जो जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं तत्व उनको कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। यहाँ पे जीव हो गया जीव, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मतलब जीव अणु। तो जो जीव के द्वारा बनाए गए तत्व हैं, जीव के द्वारा बनाए गए जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली हमने जानते हैं कि कौन कौन से तत्व होते हैं। मेन चार होते हैं। एक आपका होता है प्रोटीन, है ना, आपने कई बार सुना होगा कि हमें प्रोटीन खाने की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना हुआ है। इसके अलावा कौन सा होता है? एक आपका होता है फैट, लेकिन बायोलॉजी में टर्म इसको देते हैं लिपिड। और एक जो आपका चौथा हो गया यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से आज हम सब आप लोगों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जिसे आप DNA और RNA का नाम देने वाले हो, उसको कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दो चीज़ें होती हैं न्यूक्लिक एसिड में। एक होता है आपका RNA, सबसे पहले RNA बना, फिर इसमें इवोल्यूशन होता है तो बनता है DNA। तो RNA और DNA ये भी क्या है? हमारे बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स आपने देखा कि किस प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सहायता से केमिकल इवोल्यूशन होता है और बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जब ये बायो मॉलिक्यूल्स बने तो आपने देखा बायो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किनके द्वारा बनाए जाते हैं? बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, यानी कि जीवों के द्वारा।
तो जीवों के द्वारा बनाए गए, तो इसका सोर्स क्या हो गया? लिविंग। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ, वो पदार्थ होते हैं जो कहां से प्राप्त होते हैं? जीवित चीजों से, यानी कि ये लोग। अब क्या हुआ, आपने देखा आरएनए और डीएनए, यही आरएनए डीएनए में जो डीएनए है आरएनए है, इन दोनों का जो विकास हुआ, तो इन्होंने एक सेल बनाई जिसका क्या नाम था? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम सब जानते हैं कि एल्गी का मतलब होता है शैवाल, और शैवाल जो आपने पानी में काई देखा है उसे कहते हैं। ये जनरली कंटेन करते हैं ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर की वजह से इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का क्या फ़ायदा होता है? आखिर क्लोरोफिल क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन इसकी वजह से इनको बेनिफिट्स क्या होता है? ग्रीन हो कुछ भी कलर हो, सिर्फ बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये होता है कि जो सनलाइट आ रही है उसको होल्ड करने की, ट्रैप करने की कैपेसिटी जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी कि वही उस एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और वही आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर पा रहा था? ग्लूकोज में। तो ग्लू, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो सेल आती है, अच्छा ये एक सेल का नाम है, और ये जिस फाइलम में, फाइलम का मतलब होता है संघ, यानी कि जिस संघ में ये आते हैं उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमको ये जानना है कि ये जो सेल थी वो कैसी दिखती थी, और क्या एक सेल अपने आप में संपूर्ण शरीर है? जैसे कि हमारा एक शरीर है, आप देखते हो हमारे शरीर में ब्रेन है, नोज है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, तो आपने एक चीज़ देखा कि एक ही शरीर के अंदर इतनी विभिन्न विभिन्न चीज़ें हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आप देखते हो कि आपके हाथ का कार्य अलग है, आपके लीवर का काम अलग है, आपके हार्ट का काम अलग है, तो इसको बोलते हैं क्या? लेबर ऑफ डिवीज़न, यानी कि जो डिवीज़न का जो लेबर है उसका क्या हो रहा है यहाँ पे? डिवीज़न हो रहा है, क्योंकि हर एक कोशिका अलग अलग कार्य कर सकती है। तो एक तो चीज़ ये आप जान लीजिए कि हर एक कोशिका अपना अलग अलग कार्य करती है, लेकिन एक कोशिका क्या अपने आप में संपूर्ण है? संपूर्ण का मतलब क्या, ये कोशिका अपने आप को एक शरीर की तरह दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है। आपने अमीबा, क्लेमाइडोमोनास इस तरह के नाम सुने होंगे जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि केवल एक सेल से बने हैं। इनमें एक ऐसे अंग होते हैं, कुछ ऐसे इसमें चीज़ें होती हैं जो वो सारे काम करती है जो एक कोशिका को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। और जो कोशिका के अंदर कोशिका के विभिन्न कार्य करती है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज, यानी कि कोशिकांग। तो आज इस चैप्टर में हम कोशिका से संबंधित इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक कोशिका के अंदर क्या चीज़ें हैं, और कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण कैसे है, और क्या हमारे जो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो एक सेल है या नहीं है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी बनता है और बायोमॉलिक्यूल्स की सहायता से। अब इसको आगे क्या करना है? अपने आप को सरवाइव करना है। सरवाइव यानी कि अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है। तो एग्जिस्टेंस बनाने के लिए इसने कौन सी प्रोसेस की थी? फोटोसिंथेसिस। अब यहां से प्रश्न ये उठता है कि आप लोगों को एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और किस प्रकार से कोशिका का स्ट्रक्चर समझने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम यहीं पे चल रहे हैं, यहीं से हमारा टॉपिक निकल कर आ रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई का जो नाम है वो तो है कोशिका। अब हम कोशिका को इतना डिटेल में इसलिए पढ़ने जा रहे हैं
कि जो कोशिका का चैप्टर है उसमें जो इसके अंग हैं, कोशिका के जो अंग हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो इसीलिए इस कोशिका को पढ़ना अनिवार्य है। और चूंकि अभी बायोटेक्नोलॉजी भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, तो वहाँ पे जो कोशिका को समझता है तो उससे उसमें आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उसको समझना आसान हो जाता है। तो हम कोशिका से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। और अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो याद रखिएगा एक ही महान साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक। आइए कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका क्या है, तो आप कहेंगे कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिसकी वजह से किसी कोशिका अपने कार्य को कर पाने में सक्षम होती है, इसीलिए उसको हम संरचना क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो जो कोशिका के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने एक अपनी माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास से इन्होंने एक चीज़ देखने की कोशिश की, तो उन्होंने पेड़ की छाल को, यानी कि एक कॉर्क होता है, कॉर्क को देखने की कोशिश की। तो जब इन्होंने कॉर्क को देखा तो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर्स देखे, और इसको इन्होंने नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। और आज की डेट में ये जो टर्म है ना, ये विज्ञान में, बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा जो आशीर्वाद होता है वो समझा गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी वजह से आज बायोलॉजी का जो एग्जिस्टेंस है वो इसी के कारण है। अगर वो ये टर्म नहीं खोजा गया होता तो विज्ञान का कोई अपने आप में महत्व नहीं रह जाता बायोलॉजी में। तो सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। तो ये किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। तो जिसने खोजा वही जनक कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लिविंग नहीं थी, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ऐसा कोई सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये जिसने खोजी गई इसको बोला कॉर्क, यानी कि एक छाल होती है पेड़ों की, उसको बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर जो बाहरी परत होती है छाल जैसा निकला होता है, इसी को बोलते हैं छाल। तो वो कॉर्क में ढूंढा, और कॉर्क जो होती है वो एक मृत कोशिका होती है, यानी कि डेड सेल होती है। तो डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमी, एक साइंटिस्ट और थे लगभग इनसे 10 साल बाद, जिनका नाम था लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक भी एक साइंटिस्ट बहुत अच्छे थे। इन्होंने 1674 में क्या किया कि इनके पास एक काफ़ी अच्छी माइक्रोस्कोप इनकी थी, लीवेनहॉक माइक्रोस्कोप। तो ये जाते हैं बाहर, एक तालाब का पानी उठाकर लेके आते हैं, और उन्होंने देखा कि उसमें कुछ जीव है जिसमें मूवमेंट हो रही है, यानी कि वो मूव कर रहे हैं, मोटाइल है, मोटाइल मतलब मूवमेंट हो रहा है उसमें। तो वो एक्चुअली था अमीबा, यानी कि एक प्रोटोजोआ था। तो लीवेनहॉक ने इस तरह से खोज की एक लिविंग सेल्स की, जो जिसमें मूवमेंट था, तो इसको बोला हमने लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की खोज करने वाले जो थे वो कौन थे? हमारे लीवेनहॉक थे। लेकिन धीरे धीरे फिर एक और साइंटिस्ट इस पर, जब ये सेलुला की बात होगी तो धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगी। फिर एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने एक और चीज़ का अस्तित्व बताया था, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन अगर हम की बात करें तो 1831 में इन्होंने एक खोज निकाला, एक टर्म जिसका नाम था न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और 1831 में की। इस तरह से करते धीरे धीरे फिर पुरकंजे आए। पुरकंजे ने बताया कि जो सेल होती है उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, और उस तरल पदार्थ को उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म का। तो पुरकंजे भी आए, इन्होंने जिस किसकी खोज की? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, आगे चलकर हम देखने वाले कि इसका क्या मतलब होता है। तो प्रोटोप्लाज्म को वैसे कहा जाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की? पुरकंजे ने की। तो धीरे धीरे आपने एक चीज देखी, ये धीरे धीरे इसी कोशिका पे आगे क्या होते रहे? रिसर्च होते रहे, इसमें आगे नॉलेज बढ़ाने के लिए ये लोग लगातार प्रयास करते रहे। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है स्लैडन एंड सॉन।
1838 एंड 1839 में स्लैडन एंड स्वान जो हैं उन्होंने ये बताया कि जितने भी पौधे और जंतु हैं वो इसी कोशिकाओं से बने, यानी कि प्रत्येक जंतु और जो आपके पेड़ पौधे हैं इन सब का विकास, इन सब की जो संरचना है वो किस चीज़ से हुई है, कोशिका से हुई है, और इसी को उन्होंने नाम दिया कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, स्लैडन एंड स्वान ने 1838 टू 1839। उन्होंने बताया कि जितनी भी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, कोशिका से। बट बात फिर भी यहाँ नहीं थमी क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं विरको, विरको बोलते हैं कि इसके बारे में उन्होंने जो सेल थ्योरी दी गई स्लैडन एंड स्वान के थ्रू, उन्होंने इसको और एक्सपेंड किया और इस पर स्टडी की और बताया कि जितनी भी कोशिकाएं बन रही हैं वो अपनी पुरानी कोशिका से ही बनती हैं, यानी कि एवरी सेल्स जो बनी है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, यानी कि अपनी पुरानी कोशिका से बनी है। तो ये एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा दिया गया, विरको के द्वारा। उसके बाद 1940 के बाद आप देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डेवलप कर दिए जाते हैं तो कोशिका के अंदर और भी ऐसी चीज़ें थी जो कोशिका को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी, उनको कोशिकांग नाम दिया गया, तो उनके बारे में भी अध्ययन किया जा सका। तो अब हम इसी पे पढ़ने वाले हैं कोशिकांगों के बारे में, यानी कि कोशिका अपने आप में इतना बड़ा अस्तित्व क्यों रखती है, क्यों ये हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो उसी पर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपनी कोशिका के स्ट्रक्चर पर। तो आई होपफुल कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कौन कौन से साइंटिस्ट को आपको याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। चलिए देखिए, वैसे तो एक प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस होते हैं। तो इन सारे जो सेल्स होते हैं इनमें अलग अलग सेल्स के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए सेल्स से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहती हूँ, एक टर्म जो बच्चे बहुत बार एग्जाम में आता है। सेल के टाइप्स अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन चूँकि मुझे सेल्स पे पहुँचना है इसलिए आपको ये दो टर्म याद रखना है कोशिका के बारे में। एक शब्द आपने सुना होगा प्रोकैरियोट, और एक आपने सुना होगा यूकैरियोट। देखिए, अब आपको लग रहा है कि सब हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बस लिख रही हूँ इंग्लिश में। और अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, मैं एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट आपको छोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे अच्छा सोर्स होता है एग्जाम्स जो आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स अगर वो एनसीईआरटी है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको चाहिए होगा तो आप हिंदी में बुक पढ़ सकते हैं, समझा मैं दे रही हूँ ताकि समझ जाएंगे आप। तो आप जब पढ़ेंगे खुद से एक बार बुक तो आपको आसानी होगी। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब देखिए क्या होता है, प्रो का मतलब होता है, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, प्रो का मतलब होता है आदिम, बहुत पुराना, आदि, बहुत पुराना। और कैरियोट, मेरे बच्चे अगर कहीं पे भी बायोलॉजी में कैरियोट वर्ड आता है तो कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। क्या मतलब होता है, केंद्रक। तो आपने देखा प्रो का मतलब क्या हुआ, आदि, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। उसी तरह से यू, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा यू कहीं पे भी मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रू या फिर सत्य है, मतलब है, प्रेजेंट है कोई चीज। और कैरियोट मतलब अभी भी मैंने आपको बताया क्या, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो अगर आप बायोलॉजी में नाम्स को समझ पा रहे हैं तो आसानी से आप मेरे भाव को भी समझोगे कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ। तो आदि यानी कि जो सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बनी थी, आपको याद होगा बैक्टीरिया का नाम लिया मैंने, साइनोबैक्टीरिया। तो आप जानते हैं जितनी भी पुरानी कोशिकाएं थी उनमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ जिसको आप डीएनए या आरएनए बोलते हैं जो पाया जाता था वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ पाया जाता था। किस में पाया जाता था, साइटोप्लाज्म में, यानी कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ। तो इसमें और इसमें अंतर देखना क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो आप देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, मतलब जो डीएनए है, वो डीएनए एक अलग से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक चैम्बर में था, यानी कि कमरे में है,
यानी कि यहाँ पे एक चीज मौजूद है जो इसको सेपरेट कर रही है अदर्स चीजों से, लेकिन यहाँ पे सेपरेट नहीं है। तो जो भी इनका अनुवांशिक पदार्थ था यानी कि डीएनए आरएनए जो भी इनका था वो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे पड़ा होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस है पर वेल डिस्क्राइब्ड नहीं है, वेल क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक में देखोगे तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस है उसमें दो झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, मेम्ब्रेन बाउंडेड। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक में देखते हो तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसी को बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है पर सेल मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है, जो न्यूक्लियस है उस वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। तो यही से नाम निकलता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। तो याद रखना कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो डीएनए वन ऐसे फेंका होता है बाहर, ऐसे पड़ा होता है बिना चैम्बर के, इसको टर्म दिया जाता है न्यूक्लियाइड का, न्यूक्लियाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। अगर कभी आपसे पूछे न्यूक्लियाइड क्या है तो न्यूक्लियाइड एक क्रोमेटिन ही, यानी कि आपका डीएनए ही है, लेकिन वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाइड। तो जो न्यूक्लियोइड होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो निर्धारण किया जाता है वो केंद्रक के बेसिस पे किया जाता है। तो जितनी भी पुरानी कोशिकाएं यानी कि जो बैक्टीरिया है, जो कुछ एल्गीज हैं, कुछ एल्गीज, सारे एल्गीज नहीं, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं आपके, प्रोकैरियोटिक। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरी नीली शैवाल, बैक्टीरिया, है ना। ऐसा नहीं है जितने भी यूनिसेलर यानी कि एक कोशिका से बने वो सारे इसी में नहीं आएंगे, आगे आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ में वो आपके यूकैरियोटिक ही होते हैं, यानी कि उसमें वेल डिफाइंड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये एक अंतर समझ में आ गया। दूसरा क्या अंतर होता है ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो इस टाइम इसलिए नहीं बता रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम आगे चलते हैं अब डायरेक्टली अपने सेल के ऑर्गेनिल्स पे, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाली संरचनाएं और उनके कार्यों के बारे में। तो हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। कोशिका संरचना, तो कोशिका संरचना को समझने के लिए हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो हम प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल्स देखेंगे, ठीक है। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं।